फ्रेंड पहले आप साइज देखो जी, परांठे का साइज देखो, अमृतसर का सबसे बड़ा परांठा है जी ये, तो बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। तो साथ में आपको अचार मिलेगा और दाल मिलेगी और हरी मिर्च मिलेगी जी। तो फ्रेंड आप मेरे सामने मानसिंह गेट देख सकते हो जी, और उसके बिल्कुल सामने जो अपनी डेयरी लगाते हैं, तो आप फ्रेंड एक बार इनके पास ट्राई करना। जे हमारी पैन जी देख लो, जे बहुत ही बढ़िया काम करते हैं जी अमृतसर में। तो अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगे, गर्मी जो सारा दिन बच्चे भी नाल लग गए ही, कोई टाइम सी बच्चे भी कहते सी गर्मी है, कष्ट देख के मैं बेटियां वही अपने अज भी बच्चे निके निके बच्चे आप देखे सारी जिंदगी मेहनत की है, परमात्मा देने कि आप रोटी सोनी खाने किसी का कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी छोटी गुड़िया है, सब तो तीन गई है, तो छोटी गुड़िया हैगी है, यह भी नाल काम करती हूँ उन्हें गा। थोड़ा पता होंगे बच्चों ने कि कल मैं जा सकता मिट गए तो बच्चों को कौन देखेगा, मतलब सू इस टाइम बच्चों ने करके देखना पड़ता कि सारा आप कभी बच्चिया बेटिया मेरिया चार कभी उन्होंने कमी ना हो किसी चीज़ की, मेरे होंगे खास करके कि कल मैं अखा भी मीट जाता मेरे बच्चों को कमी ना लगे कि साड़ी माँ सी कि माता ने इन्नी कही मत बख्शे कि अपने बच्चों मैं आप खुश रखा। बस साथ बथेरा धियां ने दिता, कहते धियां माड़िया साढ़े लिए धियां माड़िया नहीं साड़ी धियां बहुत वधिया जी, बहुत मेरे ना साथ दिता मेरे धियां ने जी, अपने भैन भरा भावें नहीं खड़ा हो मेरे धियां मेरे नाल खड़ी हुई हैं, तो असं अज तक जिदा मेरे धियां मेरे ना इस टाइम तो तीजे तो जिस जगह पर मैं खड़ी हाँ कोई बेटा नहीं खड़ सकता, धियां मेरिया खड़िया मैं नहीं, अज भी मेरिया बेटियां मैनू पता है कोई दुख तकलीफ हो आप मावं धियां इकट्ठिया हो गए एक दूजे दुख सेध कर लीदा बार भावें ना करिए, परमात्मा का बहुत शुक्र करीदा कि महामाई धियां दित्तियां, पर धियां ने मैनू बहुत सुख दिता, शायद मेरिया धियां ना दे तो इस टाइम शायद मैं भी ना होंगी, मेरे बच्चे ने भी पता है किस तरह आप टाइम क्या कि नहीं क्या आप जानते, बस मेरे बेटिया तो मैं साढ़े अपने भी नहीं सी कोई बने इस टाइम पर जो आप कोई औखा टाइम देखा सी। मैं तो यही कहनी हूँ भी जी किसी मनते ना तो सच्चे दिलों ती होर विश्वास रखो कोई अपना साथ देवे ना देवे वो जरूर देंगे। हेलो फ्रेंड आपका स्वागत है जी हमारे फूड लवर पेज पर, और आप मेरे सामने मानसिंह गेट देख सकते हो जी, और उसके बिल्कुल सामने जी पहलवान का ढाबा। फ्रेंड 30 रुपए का ये परौंठा देते हैं और इनका परौंठा अमृतसर में सबसे बड़ा है जी, तो आप एक बार इनके पास ट्राई करना, जो परौंठे का साइज देखो फ्रेंड बहुत ही बड़ा साइज है जी। मैं हूं तुम बड़ा परौंठा बना के दिखानी है अमृतसर दे विच फेमस है कि तू मीन ही एडा परौंठा तुम मिले आ, एक परौंठे ने ही पेट भर देना दूसरे की जरूरत नहीं पैंदी सारा दिन। हाँ जी हाँ जी खुद ही मैं करती हाँ जी, पहले सिर्फ बेटिया ही सी बड़िया ही सी कर दें सी नाल साथ दें, जरूर की मैरिज हो गई हूँ खुद ही करीदा जी। सर्दियों च मूली वाला गोभी वाला भी होंगे तो गर्मी सिर्फ आलू वाला लगाईदा, इन पिठी पा के इन फोल्ड करके कई जने तो देख के बहुत खुश होंगे कि एडा परांठा किदा तुम बना लेंगे। तो फ्रेंड बहुत ही बड़ा परांठा बनाते हैं जी, आप परांठा देख सकते हो, इसका प्राइस सिर्फ 30 रुपए है जी, तो अमृतसर में सबसे बड़ा परांठा है जी ये जी आप देख सकते हो। तो अगर आप खाना चाहते हो ना जे हमारी पैन जी देख लो जी आप, तो आप एक बार इनके पास ट्राई करना फ्रेंड, जे 30 रुपए का ये परांठा बनाकर देते हैं, और इसका साइज आप पहले देखो बहुत ही बड़ा साइज है, और एक ही परौंठा आपको खाना पड़ेगा, दूसरे परौंठे की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड पहले आप साइज देखो जी, परौंठे का साइज देखो, अमृतसर का सबसे बड़ा परांठा है जी ये, तो बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। तो साथ में आपको अचार मिलेगा और दाल मिलेगी और हरी मिर्च मिलेगी जी। तो फ्रेंड आप मेरे सामने मानसिंह गेट देख सकते हो जी, और उसके बिल्कुल सामने जो अपनी डेयरी लगाते हैं, तो आप फ्रेंड एक बार इनके पास ट्राई करना, जो हमारी पैन जी देख लो, जो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं जी अमृतसर में। तो अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगे